सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल है माई लीड पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लीड पेंसिल मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट लीड पेंसिल है 0.5 mm की। मैं 0.5 mm से लेके 0.2 mm तक आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसे ढंग से रख देता हूँ, क्योंकि 0.5 की मेरे पास एक और है शायद, यह 0.5 की मेरे पास, हाँ एक ही है उसके लीड्स, 0.2 mm। तो पहले आते हैं हम 0.5 mm पे। जो 0.5 mm की है मेरे पास, वो है 20 rupees की आर्क मैकेनिकल पेंसिल सैलो कंपनी की। तो इसे ओपन करते हैं। मेरे पास 0.5 mm की आर्क थी, नहीं यहाँ पे नहीं है, 0.7 है ना, हाँ 0.7 ही है। तो ये है वो पेंसिल डिज़ाइन, इसकी लीड। मेरे पास इसकी लीड्स ये भी हैं 0.5, ये है 0.5। तो अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसा है ये। तो मैं इस पर लिखता हूँ माई नेम इज़ ओनी। तो अभी लिख के दिखा देता हूँ आपको। माय नेम इज, ये गाइस बहुत ज़्यादा हल्की चल रही है, नहीं डार्क चल रही है। माय नेम इज ओनी। इसे बंद करता हूँ। इसके साथ इसकी 10 leads आती हैं, तो इसे भी रख देता हूँ। बोरेबो, अरे यार इसका वो मैकेनिज्म जो ना, इतने बिल्ट क्वालिटी है इसकी। रेज़र है, मैं इसे निकालता हूँ। तो ये रेज़र है, इसकी बिल्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा गदर है। और मेरे पास एक और है लीड पेंसिल, वो मेरे को मिलने दी है। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, उसमें मेरे पास बस एक ही अलग होगी, बस एक ही अलग होगी, बाकी मैं आपको वही दिखाऊँगा। तो इसे रख देता हूँ। ये 0.5 mm का यह इसका मैकेनिज्म, ये जो लिखा गया है नोटिफिकेशन माय पेरेंट्स के नीचे माय नेम इज ओनी। तो यह इसका मैकेनिज्म। एंड अब आते हैं हम 0.7 mm की तरफ। तो 0.7 mm को आप देख सकते हैं, इतनी सारी पेंसिल्स हैं मेरे पास 0.7 mm की, कुछ इतनी सारी पेंसिल हैं मेरे पास 0.7 mm की। तो गाइज ये 0.7 mm की है, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लाया था। तो ये तो एक ही है, मैं इसमें से आपको इस वाले की दिखा देता हूँ, आपको इस वाले की दिखा देता हूँ। बाकी तो ये एक ही है वैसे, बस इनका कलर अलग है। तो इस पर भी लिखता हूँ माय नेम इज़ ओनी। माय नेम, हाँ गाइस 0.5 mm थोड़ी सी लाइट चलती है, 0.7 mm थोड़ी सी डार्क चलती है। माय नेम इज़ ओनी। और मैं लास्ट में बताऊँगा कि सबसे अच्छी पेंसिल मेरे को कौन सी लगी। एंड इसकी लीड्स आती है कुछ फ्लेयर की है ये पेंसिल, इसकी लीड्स आती है 0.7 mm की। इसमें आपको 10 leads देखने को मिल जाती हैं। और एक ये है मेरे पास 0.7 mm की, इसमें मेरे पास लीड नहीं है, तो लीड निकाल के लगा देता हूँ। इसकी लीड निकाली, इसमें लगा दी। इसका भी गाइस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा बेटर है देन माय थिंक। गाइस ये रेड कलर की बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, इसके पीछे लेज़र है। अरे ये आपको 10 rupees की मिलेंगी। एंड देन ये जो है आपको ये 15 rupees की मिलेंगी। इस पर भी लिखता हूँ मैंने सुने।
गाइस ये लिख दिया लास्ट वाला कॉर्नर वाला माय नेम इज ओनी। अब इसे रखता हूँ साइड में एंड देन है मेरे पास सेलो की एक्सेस मैकेनिकल पेंसिल, ये रही, इसे भी निकालते हैं। ये भी 0.7 mm की ही है। अरे यार इन्हें पैकेट में रखना चाहना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल थोड़ी सी। भाई हिंदुस्तान में हो थोड़ी सी हिंदी भी सीखो। एक्सेस की बिल्ड क्वालिटी सबसे मस्त लगी है मेरे को, लाइट भागी है उसके साथ, एक लीट भी आई है, बाकी इसकी 10 लीट निकलती है। इसमें आप भी लिखता हूँ माय नेम इज़ ओनी। इसका मैकेनिज्म मुझे थोड़ा सा प्योर लगा क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। एंड देन आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसकी एक वो भी है। एंड देन गाइस आपको कमेंट में बताना, अगर मैं कमेंट के लिए ऑप्शन दूँ तो, कि आपको कौन सी लीड पेंसिल सबसे अच्छी लगती है और कौन सी कंपनी की है। मैं आपको शाउट आउट दूंगा, मैं आपको हर्ट दूंगा, हर्ट बाय ओनी अनबॉक्सिंग एंड ब्लॉगिंग, ठीक है। तो गाइस नीचे बहुत शोर मच रहा है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना मेरे को। एंड देन अब मेरे पास आती है 0.2 mm की, तो वो ये है, ये आपको 10 rupees की मिलेगी। मैं आपके अभी लास्ट में रेट भी बताऊंगा। 0.2 mm की इसकी लीड्स आपको फ्री मिलती हैं। एंड देन ये इसका मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल पेंसिल की तरह चलती है, नॉर्मल पेंसिल जैसे होती है। मेरे पास अभी है तो नहीं, ठीक है गाइस, इसकी घुटर घुटर गाइस, इसके पीछे शार्पनर भी है, मोटी लीड है ना, शार्प करनी पड़ती है, तो ये रहा शार्पनर, इसके अंदर लीड्स डाली, इसे शार्प करो, इसके अंदर सभी कूड़ा निकाल के आपको दिखाऊंगा। छिला नहीं, इसे निकाल के छीलना पड़ेगा। कैसे दर्द चलता हूँ, छिल गया, रख देता हूँ इसको। गाइस सॉरी बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है नीचे, मेहमान आए हुए हैं। डालता हूँ इसके अंदर मैकेनिज्म, इसका बहुत ज़्यादा बिल्ट नहीं है, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी क्योंकि सबसे चीप पेंसिल है ये। तो इस पर भी लिखता हूँ माय नेम इज़ ओनी। माय नेम की राइटिंग बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है क्योंकि अच्छे से शार्प नहीं हो पाए, मुझे इसके लिए शार्प करना अपने दांतों से पड़ेगा करके। देखो थोड़ी थोड़ी हो गई है, मैं ब्लेड लेके जाऊंगा। माय नेम इज हाँ ओनी, इसकी बिल्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब है बिल्कुल, ये लिखा गया है, देख सकते हैं इसकी कितनी गंदी बिल्ट क्वालिटी है। एंड देन अब मेरे पास कोई भी पेंसिल नहीं बची है, बचा है तो वो है मेरे पास 2 spinner, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई दिया था। गाइस जो मैं कल लाया था वो तो ये दोनों है, ये आपको मिलेगी सबसे महंगी पेंसिल जो है अभी तक मेरे पास, ये है 20 rupees की। एंड ये है 15 rupees की। एंड बाकी आप जितनी भी देख रहे हैं ये पेंसिल 0.7 mm की आपको 15 rupees की मिलेंगी। एंड देन आपको ये लीड खरीदनी पड़ेंगी, नहीं मजाक करता हूँ, ये आपको लीड इसके साथ मिलेंगी और ये वाली भी लीड आपको इसके साथ ही मिलेगी। अरे यार लीड मिल जाती है, ये आपको सबसे सस्ती है, ये 10 rupees की है, ये 10 rupees वाली पेंसिल है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा
सही नहीं है, इतना मेरे को बेटर नहीं लगा। एंड जो अब तक मुझे सबसे अच्छी पेंसिल लगती है, चाहे वो 0.7 हो चाहे वो 0.5 हो, 0.7, 0.5 और 0.2 mm 0.2 मेरे को अच्छी नहीं लगी, मत लेना। मैं आपको ये कहता हूँ कि मत लेना 0.7 mm, 0.2 mm मत लेना, 0.7 mm एंड 0.5 mm आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 0.5 mm में अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाली लेनी चाहिए, ये सबसे अच्छी है। आपको अगर चाहिए ना 0.5 से 0.7 तक तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यही वाली ले, यही वाली लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर आपको लेनी है तो लेनी है, अरे मतलब मैं मेरा है कि अगर आपको 0.5 mm चाहिए तो आप ये ले सकते हैं और ये बहुत प्यारी है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यही लें। एंड आपको 0.7 mm में मैं सजेस्ट करता हूँ, दो पेंसिल हैं, ये वाली एंड ये वाली, तो 0.7 mm में इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड देन इस वाली की भी बहुत अच्छी है। 0.2 mm में आप यही वाली ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल मोटी पेंसिल की नोक चाहिए, अगर आपको वुड वाली पेंसिल की नोक जैसी ही चाहिए बिल्कुल तो आप ये 0.2 mm की ले सकते हैं, इसकी बिल्कुल उसके बराबर ही होती है नोक। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लास्ट में ये दिखा देता हूँ, पिछले व्लॉग में दिखी थी और ये इरेजर। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।